Good morning students, today we are going to do the reading and explanation of lesson number 22, Our Earth. Write down class work and date 24/04/2021, okay, Our Earth, Earth, Our Earth, yani hamari Prithvi. We live on the earth. WEVLIVE live on THE EARTH earth. We live on the earth. यानी हम पृथ्वी में रहते हैं. It is round like a huge ball. ITETIS is ROUND round. LIKE like a huge. HUGE huge. BALL ball. It is round like a huge ball. यानी वो एक बड़े बॉल जैसा. कैसा है? Round है. बड़े बॉल जैसा. द अर्थ है. देखो ये अर्थ का शेप है. कैसा है? राउंड है. ये एक हमारा प्लैनेट है. प्लैनेट सिस्टम में ये एक प्लैनेट है जिसका नाम है अर्थ. और ये हिंदी में इसे पृथ्वी कहते हैं. द अर्थ इज मेड ऑफ लैंड एंड वाटर. अर्थ किससे बना हुआ है? द अर्थ EARTH अर्थ इज मेड MADE मेड ऑफ LAND लैंड एंड वाटर. WATER water, land मतलब धरती and water मतलब पानी. तो ये धरती और पानी से बना हुआ है. देखो ये उसका मॉडल है. इसे ग्लोब कहते हैं. क्या कहते हैं? ग्लोब. This is a globe. THIS this IS is a globe. GLOBE globe. तो ये मॉडल है अर्थ का. इसे ग्लोब कहा जाता है. IT it is a model 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 of our earth EARTH earth. ये globe earth का model है जिसे globe कहा जाता है. देखो ये blue part है वो water है and brown part is called land. The blue part show water. ये blue part है वो क्या दिखा रहा है? Water. So water यानी पानी दिखा रहा है. The brown part show land. ये जो brown part है वो लैंड दिखा रहा है. ये सारे कंट्रीज है ना. देन वाटर कवर्स मोस्ट ऑफ द अर्थ. WATER वाटर COVERS कवर्स मोस्ट ऑफ द अर्थ MOST मोस्ट ऑफ द अर्थ. यानी पानी है जो अर्थ किससे घिरा हुआ है? पानी से. वन पार्ट ही लैंड है, बाकी टू थर्ड पार्ट वाटर है. इट कैन बी सीन इन सीज रिवर्स लेक्स एंड पॉन्ड्स. IT CN can BEB SWEN seen IN in SEAES seas RIVERS rivers LAKES lakes and PONDS ponds. It can be seen in seas rivers lakes and ponds. यानी वो किस में दिखता है? पानी का हिस्सा जो है वो दरिया में दिखता है. रिवर्स यानी नदियों में दिखता है. लेक्स मतलब बड़े बड़े सरोवर जो होते हैं. एंड पॉन्ड्स यानी तालाब. पॉन्ड्स मतलब तालाब. तो वाटर का हिस्सा जो है वो इन सब में दिखता है. लैंड कवर्स ओनली ए स्मॉल पार्ट ऑफ द अर्थ. लैंड पार्ट जो है वो बहुत ही छोटा हिस्सा है. अर्थ का बहुत ही छोटा हिस्सा है. वी मेक हाउसेस ऑन लैंड. हम लैंड पे क्या बनाते हैं? हाउसेस. हमारे घर जो है वो लैंड पे बने हुए हैं. वी ग्रो फूड ग्रेन्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. वी ग्रो यानी हम क्या बना पैदा करते हैं? फूड ग्रेन्स. हमारे जो खाने के अनाज हैं जैसे गेहूं है, चावल है, दाल है, सब वो सब कहाँ पे? धरती पे होते हैं. तो वो हम पैदा करते हैं. अनाज को पैदा किया जाता है ना खेतों में. फ्रूट्स तो फ्रूट्स भी ट्रीज में से उगते हैं. फिर वेजिटेबल्स सब्जियां भी उगती है. तो ये सब क्या होता है? जब पैदा खेतों में पैदा होते हैं तब हम घर पर ला के उसे खाते हैं, है ना. वो सब खेतों में बनते हैं, फिर बाजार में उसको बेचा जाता है, फिर हम घर पे उसे खरीद के लाते हैं और खाते हैं. ऑन लैंड वो सब कहाँ पे होते हैं? धरती में. वी ड्राइव कार्स. वी ड्राइव DRIVE ड्राइव कार्स. साइकल्स CYCLES साइकल्स. ट्रेन्स TRAINS ट्रेन्स एंड बसेस. ऑन लैंड धरती पे क्या क्या व्हीकल्स चलते हैं? कार्स, साइकल्स, ट्रेन्स एंड बसेस. लैंड इज नॉट स्मूथ एवरीवेयर. LAND लैंड इज नॉट स्मूथ SMOOTH स्मूथ एवरीवेयर EVERY WHERE यानी धरती एक जैसी स्मूथ सब जगह पे नहीं है. कहाँ पे?
फ्लैट एरियाज है तो कहाँ पे हाई एरियाज है। एट सम प्लेसेस, कहीं कहीं पे, एट सम प्लेसेस मतलब कहीं कहीं पे, एस ओ एम ई सम पी एल ए सी ई एस प्लेसेस, इट इज फ्लैट, एफ एल ए टी फ्लैट, फ्लैट मतलब एक जैसी धरती, पूरी सीधी सपाट। एट सम प्लेसेस इट इज हाई, यानी कहीं पे सीधी सपाट है तो कहीं पे ऊंची है, हाई मतलब जहाँ पे हिली एरियाज, जिसे हिली एरियाज कहा जाता है। द फ्लैट एंड इवन पार्ट ऑफ द लैंड इज कॉल्ड अ प्लेन, THE द एफ लेटी फ्लैट एंड इवन EVEN इवन, यानी एक जैसी धरती जहाँ पे दिखती है उसे प्लेन कहा जाता है, प्लेन PLAIN प्लेन मतलब एक जैसी धरती। मोस्ट ऑफ द पीपल लिव इन द प्लेन्स, हम जो रहते हैं वो क्या है, प्लेन्स है, हम लोग सीधी जगह पे फ्लैट एरियाज पे रहते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल लिव्स, यानी बहुत सारे लोग प्लेन्स में ही रहते हैं, हिली एरियाज में पॉपुलेशन कम होती है पर प्लेन एरियाज में पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। देखो ये फ्लैट एरियाज दिखा रहा है। द हाई पार्ट ऑफ द लैंड, द हाई पार्ट मतलब देखो ये जो हाई पार्ट है, ऊपर ऊंचा ऊंचा हिस्सा है, उसे क्या कहते हैं, हिल्स। द हाई पार्ट ऑफ द लैंड इज कॉल्ड अ हिल, HILL हिल। देखो ये जो हाई पार्ट है उसे हिल कहा जाता है, पर्वत कहते हैं। एप्पल्स चेरीज प्लम्स एंड पीचेस, APPLES एप्पल्स CHERRIES चेरीज PLUMS प्लम्स एंड पीचेस PEACHES पीचेस आर ग्रोन ऑन हिल्स। वॉट आर दिस नेम्स, दीज आर नेम्स ऑफ फ्रूट्स। हिली एरियाज में कौन से फ्रूट्स होते हैं, एप्पल्स होता है रेड कलर की, चेरीज जो आप सबको बहुत भाती है ना, प्लम्स ये भी रेड कलर के होते हैं, एंड पीचेस जो ऑरेंज कलर के होते हैं, आर ग्रोन ऑन हिल्स। ये जो फ्रूट्स हैं वो हिली एरियाज में पैदा होते हैं। सम हिल्स आर वेरी हाई, देखो ये जो हिल्स है वो बहुत ही ऊंचे हैं, हाई, इसको माउंटेन्स कहा जाता है। दे आर कॉल्ड CALLED कॉल्ड माउंटेन्स MOUNTAINS माउंटेन्स। द टॉप्स ऑफ द माउंटेन्स आर, द टॉप्स ऑफ द माउंटेन्स, टॉप्स यानी जो उपला हिस्सा है, टॉप एंड बॉटम मैंने कल अपोजिट में आपको करवाया था, जो उपला हिस्सा होता है वो टॉप होता है, नीचे का हिस्सा होता है वो बॉटम कहा जाता है। आर कवर्ड विथ स्नो, COVERED कवर्ड विथ स्नो SNOW स्नो। देखो ये जो उपला हिस्सा है माउंटेन का वो किससे ढका हुआ है, स्नो से, कवर्ड मतलब ढके होना। ये जो वाइट पोर्शन है वो स्नो है और ये जो ब्लू है वो क्लाउड्स है। डू यू नो मतलब क्या आपको पता है, द स्नो ऑन द माउंटेन्स, ये जो स्नो है वाइट वो मेल्ट जब होता है माउंटेन्स पे, जब मेल्ट यानी पिघलता है, MELT मतलब पिघलना, टू फॉर्म रिवर्स, ये जब पिघलते हैं तो क्या पैदा होता है, रिवर्स, ये रिवर्स बनते हैं यानी नदियाँ बहती है, जब ये स्नो पिघलता है तो नदियाँ ऊपर से बहती है, माउंटेन्स में से रिवर्स बहते हैं, RIVERS रिवर्स फ्लो डाउन द माउंटेन्स, क्या होता है, रिवर्स फ्लो डाउन द माउंटेन्स, यानी नदियाँ नीचे बहती हैं माउंटेन्स से, ये नदियाँ ऊपर से नीचे आती है। दे फ्लो थ्रू द प्लेन्स, THEY दे FLOW फ्लो थ्रू THROUGH थ्रू द प्लेन्स, तो वो ऊपर माउंटेन एरिया से फ्लो होके नीचे ज़मीन पे आती है और कहाँ पे मिलती है, एंड फॉल इनटू द सी, वो फिर दरिया से मिल जाती है, सी मतलब दरिया, ओशन जिसे कहते हैं, हम सी बीच पे जाते हैं ना, वहाँ वो ये सारी रिवर्स उससे सी में जाके मिल जाती है, एंड फॉल इनटू द सी। द लो लैंड बिटवीन टू हिल्स और माउंटेन्स इज कॉल्ड अ वैली, द लो LOW लो LAND लैंड, लो लैंड बिटवीन टू हिल्स, यानी ये चारों तरफ से जो दो पहाड़ियों के बीच जो लो लैंड, यानी जो नीचे धरती होती है, प्लेन एरिया होता है, उसे वैली कहा जाता है, क्या कहा जाता है, वैली, और माउंटेन्स इज कॉल्ड अ वैली VALLEY वैली। तो ये क्या कहा जाता है, देखो यहाँ पे माउंटेन्स दिख रहे हैं, फिर नीचे फ्लैट एरिया है, लो लैंड है, यहाँ पे देखो हाउसेस भी है, ट्रीज़ भी हैं, तो इसे वैली कहा जाता है। इट लुक्स ब्यूटीफुल BEAUTIFUL ब्यूटीफुल, लुक्स यानी दिखना,
इट लुक्स, देखो बहुत सुंदर लग रहा है ना, यहाँ पे पहाड़ियाँ हैं और बीच में फ्लैट एरियाज जहाँ पे ट्रीज है, लैंड्स हैं, फिर हाउसेस हैं। इट लुक्स ब्यूटिफुल विथ कलरफुल फ्लावर्स एंड ग्रीन प्लांट्स। यहाँ पे बहुत सारे ग्रीन प्लांट्स भी होते हैं और ब्यूटिफुल फ्लावर्स भी दिखते हैं। मैनी पीपल लिव इन वैलीज, बहुत सारे लोग वैलीज में भी रहते हैं। जब हम पहाड़ियों पे घूमने जाते हैं, जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, सब जगह जाते हैं, वहाँ पे जो वैलीज बीच बीच में जो एरियाज आते हैं, हिली एरियाज पे माउंट प्लेसेस होते हैं ना, फ्लैट प्लेसेस, तो वहाँ पे बहुत सारे हमें छोटे छोटे कस्बे दिखते हैं जहाँ पे हाउसेस होते हैं। हिली एरियाज पे हाउसेस भी दिखते हैं, है ना। तो जो फ्लैट एरियाज होते हैं दो पहाड़ियों के बीच, उसे वैली कहा जाता है, और वो एरिया दिखने में बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है ना। आप जब हिली एरियाज में घूमने जाओ तब ये आपको दिखने को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट टाइम वी विल डू द एक्सरसाइजेस। गुड बाय।